अरे दोस्त रुको रुको रुको, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 36 डेज का एकदम बेनामी स्ट्रीम का पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में फुल डिटेल्स। सो दोस्तों ये वीडियो आप पूरे के पूरे देखिए तो आपका ये जो प्रॉब्लम्स था सब कुछ प्रॉब्लम्स आपका बेनामी स्ट्रीम का पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्थ प्रतिम और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों मैं एक फिशरीज ग्रेजुएट कम एक्वाकल्चर कंसल्टेंट भी हूँ। आज के इस नए बेहतरीन और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेनामी स्ट्रीम का पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में फुल्ली डिटेल्स में। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी झींगे मछली हम पालन करते हैं उसके लिए पॉन्ड प्रिपरेशन यानी ये तालाब को हम कैसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे उस बारे में एकदम फुल्ली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सो दोस्तों वीडियो का पहले से वीडियो का लास्ट तक पूरे के पूरे देखिए तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप आपका कल्चर में और भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। सो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वा कल्चर से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। तालाब में सीड स्टॉकिंग करने के पहले यानी कि चारा छोड़ने के पहले एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि हमारा जो स्ट्रीम है वो ना मरे, एकदम सर्वाइवल एकदम 100% तक हो। सो इसीलिए दोस्तों हमें पॉन्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ता है चारा छोड़ने के पहले। सो ये पॉन्ड प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे? दोस्तों अगर आपका नया तालाब है और इसी साल से या बेनामी स्ट्रीम फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले जो मैं दो काम बोलूँगा वो दो काम आपको नहीं करना है। और अगर आप मान लीजिए 2022 में आप स्ट्रीम फार्मिंग कर चुके होंगे और इसी साल में उसी सेम पॉन्ड में ही आप स्ट्रीम फार्मिंग करेंगे तो इसके लिए जो पहले दो मैं स्टेप बोलूँगा वो दो स्टेप आपको मास्ट भी करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों पहले आपको क्या करना पड़ेगा अगर उस तालाब में आप बेनामी स्ट्रीम फार्मिंग पहले कर चुके होंगे तो दोस्तों पहले आपको उस तालाब को अच्छे से सुखा लेना पड़ेगा, प्रॉपर से ड्राई कर लेना पड़ेगा। देन ड्राई कर लेने के बाद आपको मिट्टी को स्क्रैपिंग करके उठाना पड़ेगा। मतलब क्या दोस्तों, आपको 2 से 3 इंची तक बॉटम का मिट्टी को निकालना पड़ेगा, एकदम बाहर फेंक देना पड़ेगा, ठीक है ना। देन 2 से 3 इंची तक ये मिट्टी को बाहर से बाहर फेंक देने के बाद आप क्या करेंगे, लाइमिंग करेंगे। मिट्टी का पीएच मापेंगे, मिट्टी का पीएच के ऊपर डिपेंड करके आप लाइमिंग करेंगे। सो यहाँ पर लाइमिंग का डोज कितना होगा दोस्तों, अगर आपका तालाब का पॉन्ड का पीएच 4.5 से 5 होगा तो आपको 50 kg/1000 square meter के लिए आपको लाइमिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपका पॉन्ड का पीएच 5 से 6.5 तक होगा तो आपको यहाँ पर 25 kg/1000 square meter एरिया के लिए आपको जो लाइमिंग करना है। और दोस्तों अगर आपका पॉन्ड का पीएच 6.5 से 7.5 तक रहेगा तो आपको यहाँ पर 12 से 15 kg/1000 square meter एरिया के लिए आपको लाइमिंग करना होगा। अगर आप इस साल से नया तालाब में स्ट्रीम फार्मिंग यानी कि जो बेनामी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको जो चूना डालवाना मास्ट भी पड़ेगा, ठीक है ना। जो डोज मैंने बोला उस डोज में आपको लाइमिंग करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जितना भी हिसाब बोलूँगा एक 1000 square meter का पॉन्ड के लिए ही बोलूँगा, ठीक है ना। और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका जितना बड़ा एरिया होगा उतना कैलकुलेशन कर लेंगे। देन ये हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, देन उसके बाद आपको वाटर ऐड करना है। सॉरी, वाटर ऐड करने के पहले आपको 5 दिन गैप देना है, ठीक है ना। वाटर पानी भरने के पहले आपको 5 दिन अच्छे से तालाब को सुखा लेना पड़ेगा, सनड्राइंग कर लेना पड़ेगा लाइमिंग करने के बाद। देन 5 दिन तक आप सुखा लेने के बाद आप छठवा दिन क्या करेंगे, छठवा दिन आप जो वाटर ऐड करेंगे 4 से 4.5 फीट तक, ठीक है ना। 4 से 4.5 फीट पानी भरने के बाद आप क्या करेंगे, जिस दिन आप भरे यानी कि 6 दिन आप पानी भरे और 7 डेज में आप कॉपर सल्फेट का डोज करेंगे। कॉपर सल्फेट का डोज कितना होगा, 6 से 7 kg/1000 square meter एरिया के लिए। इसके साथ बहुत सारे कंपनीज का प्रोडक्ट भी पाया जाता है जो हमारा जो स्नेल्स होता है ना, स्नेल्स जिसे आप घोंगे कहते हैं उसे मारने के लिए हम कॉपर सल्फेट उसके साथ कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट भी पाया जाता है मिक्स करके अगर आप अप्लाई करेंगे पानी में तो आपका जो स्नेल्स है वो सब मर जाएगा, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट का डोज आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये कॉपर सल्फेट का डोज हो जाने के बाद आपको 3 दिन तक गैप देना है। देन 3 दिन गैप देने के बाद आप चौथा दिन यानी कि आप यहाँ पर 7th day में ये जो आपका कॉपर सल्फेट दियो 7, 8, 9, 10 दस दिन के बाद 11वां दिन पर यानी कि 11th day पर आप ब्लीचिंग पाउडर का डोज करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का डोज आपका होगा 50 से 60 kg/1000 square meter एरिया के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का डोज करेंगे। और ब्लीचिंग पाउडर का डोज आप कब करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का डोज आपको करना होगा शाम का टाइम, शाम या फिर रात का टाइम आपको ब्लीचिंग पाउडर का डोज करना है, ठीक है ना। ब्लीचिंग का डोज करने के 2 दिन के बाद से कॉन्टिन्यूसली बेसिस में आपको एरिएशन
चलाना है और साथ में चेनिंग एकदम कंटिन्यूअसली पॉन्ड प्रिपरेशन का एंड तक आपको करना है। और ब्लीचिंग का डोज हो जाने के बाद आप 3 दिन तक गैप देंगे, देन 3 डेज गैप देकर आप क्या करेंगे, बीकेसी का डोज करेंगे। एकदम 15 दिन में आप बीकेसी का डोज करेंगे, 1.5 से 2 लीटर पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आप बीकेसी का डोज करेंगे। देन बीकेसी का डोज हो जाने के बाद आप 2 दिन गैप देंगे, देन 2 दिन गैप देकर आप जो जियोलाइट और जो गैस्ट्रोवल मेडिसिन का डोज करेंगे, एकदम 8वें दिन पर यानी कि 18 डेज पर आप जियोलाइट और गैस्ट्रोवल मेडिसिन का डोज करेंगे। जियोलाइट का डोज होगा दोस्तों 5 से 7 kg पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, और जो गैस्ट्रोवल मेडिसिन का डोज होता है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करके ही होता है। आप कर देंगे ना वैसे 200 ग्राम या फिर 400 ग्राम तक कर देंगे, ये जो हमारा जो गैस्ट्रोवल मेडिसिन का डोज होता है मैक्सिमम कंपनीज का डोज ऐसे ही होता है 300-400 ग्राम या फिर 500 ग्राम तक 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। और जियोलाइट और गैस्ट्रोवल मेडिसिन का डोज हो जाने के बाद आप 6 दिन तक गैप देंगे, ठीक है ना। 6 दिन गैप देने के बाद 25th रेस पर यानी कि 25 दिन में एकदम आप क्या करेंगे, डोलोमाइट का डोज करेंगे। ये बेसिकली पीएच के ऊपर डिपेंड करके हम डोलोमाइट का डोज करते हैं। बार दोस्तों मैं यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 5 से 6 kg पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आप ये जो डोलोमाइट का डोज कर देंगे, ठीक है ना। देन डोलोमाइट का डोज आप 25th डे यानी कि 25वां दिन पर डोलोमाइट का डोज करने के बाद आप 2 दिन गैप देंगे। देन 28th डेज पर यानी कि 28वां दिन पर आप क्या करेंगे, जूस जो हमारा जो ऑर्गेनिक जो जूसेस होता है आप प्रिपरेशन तो करते हैं, आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक जूस कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। इसके बाद जो वीडियो में है ये जूस का ऊपर एकदम प्रॉपर डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। देन हमें तालाब में जूस को अप्लाई करना है 28th डेज पर। दोस्तों हम ये जो जूस को अप्लाई करते हैं तालाब में ना, ये हमारा वेनमी श्रिंप के लिए जो प्राकृतिक खाना यानी कि जो नेचुरल जो फीड होता है यानी कि जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं उसे तालाब में तैयार करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये जूस। और ये जो प्राकृतिक खाना मछली के लिए तैयार करके ये तालाब का जो कलर प्रॉपर से मेंटेन करता है। और दोस्तों जूस अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे हमारा तालाब का जो पानी का कलर हो जाएगा ग्रीनिश ब्राउन या फिर ब्राउनिश ग्रीनिश टाइप का, ठीक है ना। देन दोस्तों ये जूस का डोज हो जाने के बाद हमें 1 दिन गैप देना है, और 1 दिन गैप देकर एकदम 30 दिन का माथे पर आपको क्या करना है, ये जो सॉइल और वाटर प्रोबायोटिक्स आपको अप्लाई करना है। देन सॉइल और वाटर प्रोबायोटिक्स ऐड करने के बाद आपको 2 दिन गैप देना है। 2 दिन गैप देकर 33 डेज में आपको क्या करना है, 33वां दिन पर आपको करना है बेसिकली डोलोमाइट का डोज करना है। डोलोमाइट का डोज आप कैसे करेंगे दोस्तों, पानी के पीएच को आप मेज़र करेंगे। अगर आपका पानी का पीएच 7.5 का ऊपर या फिर 8 है तो आपको आपका 2.5 से 3 या फिर 4 kg तक आप डोलोमाइट का डोज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका पॉन्ड का पीएच 8 का ऊपर चला गया, 8 से 8.5 का अंदर है, तो आपको यहाँ पर 2.5 से 2.5 kg तक आप डोलोमाइट का डोज करेंगे। और 33वें दिन पर आप ये डोलोमाइट का डोज करने के बाद आप 1 दिन गैप देंगे, और 1 दिन गैप देकर आप 35 डेज का माथे पर यानी कि 35वां दिन पर आप क्या करेंगे, ये जो मिनरल्स का डोज करेंगे। मिनरल्स का डोज आपका होगा 4 से 5 kg आपका पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, ये जो मिनरल का डोज आप करेंगे ये कब करेंगे, ये बेसिकली शाम का टाइम या फिर रात का टाइम ये जो मिनरल का डोज आप करेंगे, ठीक है ना। देन मिनरल का डोज आपका 35वां दिन पर मिनरल का डोज हो जाने के बाद आप ये अब 36वां दिन पर आपका मछली का स्टॉकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मछली जब आप स्टॉकिंग करेंगे ना वो आपको शाम का टाइम करना ही बेहतर होता है मछली के लिए, ठीक है ना। दोस्तों ये क्या पूरा हमारा जो वेनमी श्रिंप का पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में फुल्ली एकदम डिटेल्स में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे रहना अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट कीप ग्रोइंग, धन्यवाद।